तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर MIUI 13 का एक नया फीचर जिसको आप मेमोरी फ्यूजन टेक्नोलॉजी या फिर मेमोरी एक्सटेंशन बोल सकते हैं, उसको यहाँ पर रिलीज कर दिया है। अभी गाइस वो क्या है, क्या वो फीचर वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, कौन से डिवाइस पर सपोर्ट करेगा, उसके बारे में पूरी डिटेल आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम युवराज और आप सभी का इस नई वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों यहां पर पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं मेमोरी फ्यूजन टेक्नोलॉजी क्या है। तो कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जिसके अंदर 4GB, 6GB या फिर 8GB रैम है, फिर भी वो लैग कर रहा है, यानी कि पूरा का पूरा रैम भर चुका है, इसकी वजह से डिवाइस है वो लैग कर रहा है। तो अभी Xiaomi ने एक नया टेक्नोलॉजी निकाला है, एक नया फीचर निकाला है जिसको आप मेमोरी एक्सटेंशन बोल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको ये फीचर देखने को मिलने वाला है। इससे क्या होगा कि जब आपका रैम है वो फुल हो जाएगा, मान लीजिए आपके पास 4GB वाला फोन है, 4GB रैम वाला फोन है, तो उसके अंदर अगर 4GB यूज्ड हो जाता है तो ये फीचर अपने आप ही आपका इंटरनल स्टोरेज से थोड़ा सा मेमोरी लेके उसको वर्चुअल मेमोरी में कन्वर्ट करके, वर्चुअल रैम में कन्वर्ट करके आपका डिवाइस से उसको स्मूथली रन करेगा। यानी कि 3GB एक्स्ट्रा रैम आप इस फीचर से अपने डिवाइस के अंदर ऐड कर पाएंगे। सभी डिवाइस पर ये अभी वर्क नहीं कर रहा है। कौन से डिवाइस पर वर्क कर रहा है मैं आपको अभी दिखा देता हूं। तो इसका पूरा लिस्ट भी मेरे पास आ चुका है, यहां पर आप देख सकते हैं ये सारे डिवाइस उसके अंदर अभी फिलहाल के लिए इस फीचर को इनेबल किया गया है। मोस्टली यहाँ पर स्नैपड्रैगन 800 सीरीज वाले फोन ही आपको देखने को मिलते हैं, पर मेरे हिसाब से तो गाइस स्नैपड्रैगन 800 वाले जितने भी फोन से उन सभी फोन के अंदर हायर रैम आता है, तो उन सभी के अंदर ये फीचर यूजलेस है। सही में तो Xiaomi को ये फीचर स्नैपड्रैगन 600 या फिर स्नैपड्रैगन 700 वाले फोन्स को देना चाहिए था, पर अभी शायद ये लोग इसको टेस्ट कर रहे हैं, तो शायद इसीलिए जो भी लोअर डिवाइस है उसके अंदर इस फीचर को अनाउंस नहीं किया है। पर आगे जाके यानी कि MIUI 13 जब रिलीज होगा तो शायद आपको लोअर एंड वाले जितने भी फोन से उन सभी फोन के अंदर आपको ये वाला फीचर मिल जाएगा, जिससे आप अपने गेम्स को या फिर अपने फोन को स्मूथली रन कर पाएंगे। तो ये होता है गाइस मेमोरी फ्यूजन टेक्नोलॉजी या फिर मेमोरी एक्सटेंशन। अभी इसको आप ऐसे ही इनेबल नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको शायद अपडेट का वेट करना पड़ सकता है। पर अगर आपके पास Mi 10 या फिर Mi 11 या फिर उससे कोई भी हायर डिवाइस है तो उसके अंदर इसका अपडेट आ चुका है। बस आपको MIUI 12.5 का लेटेस्ट अपडेट है उसको इंस्टॉल करना है, तो आपके फोन के अंदर एडिशनल सेटिंग के अंदर ही आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये आपका जो स्टोरेज है उसको यूज करेगा जब रैम की तरह, तो ऐसा नहीं है कि भाई आपका जो इंटरनल स्टोरेज है वो कम हो जाएगा। अगर आपके इंटरनल स्टोरेज के अंदर स्पेस होगा तो ही यहाँ पर ये रैम की तरह इसको यूज करेगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है अगर आपके इंटरनल स्टोरेज के अंदर स्पेस होगा, इनफ स्पेस होगा, तो ही आपका इंटरनल स्टोरेज है वो रैम की तरह यूज होगा। अगर आपको इंटरनल स्टोरेज को यूज करना है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, बस इसको आपको डिसेबल कर देना है, तो आपका 3GB वापस से आपके इंटरनल स्टोरेज के अंदर आ जाएगा और आप उन 3GB को यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके से गाइस ये मेमोरी एक्सटेंशन फीचर है वो वर्क करता है। अभी ये सभी फोन के अंदर नहीं आया तो आप इसको डायरेक्टली इनेबल नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे कोई भी तरीका मिल जाएगा इसको इनेबल करने का तो मैं आपके साथ उसको शेयर कर दूंगा। उसके लिए गाइस अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो MIUI 12 डाउनलोड्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही मेरे पास इसका APK फाइल या फिर इसको इनेबल करने का तरीका आता है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वैसे गाइस आपको ये फीचर कैसा लगा, आपके फोन के अंदर ये वाला फीचर आना चाहिए या फिर नहीं, ये आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा है, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो बस गाइस आज का वीडियो यही तक था, मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ।